आई गाइज इज शानविका आई होप यू आल आर डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैमरस ठिकाना सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं व्हाइट टोन पर्ल फेस पाउडर का रिव्यू गाइज डे टू डे लाइफ में जब कभी भी हम हल्का फुल्का मेकअप करते हैं तो ऑब्वियसली फेस पाउडर तो हम अप्लाई करते हैं तो क्या ऐसे में हम व्हाइट टोन फेस पाउडर को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है क्या क्या इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी स्किन पर इन सभी की डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और गाइज इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड सो so गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्राइस के बारे में एज यू कैन सी यहाँ पर ही आता है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में जिसके अंदर हमें मिलता है प्लास्टिक जार अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर इसका हमें महसूस हो रहा है लाइक like जैसा पहले वाला व्हाइट टोन पर्ल फेस पाउडर अगर आपने यूज किया है तो उसी के जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है इजीली हमारी स्किन पर ग्लाइड हो जाएगा बिल्कुल भी हमारी स्किन पर ऐसा केक फील नहीं होने देगा और तो साथ में यहाँ पर मैट फिनिश लुक मुझे इसका महसूस हो रहा है मैं अभी आपको अपने फेस पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी कि, कि किस तरीके का लुक ये हमारे फेस पर देता है और अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है है बहुत ही अमेजिंग एंड फ्रेशन अप करने वाली फ्रेगरेंस यहां पर इसमें से आ रही है अगर पुराने वाली की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी माइल्ड थी इन द दिजन ऑफ दिस वन बट यू लव दिस अगर आपको सैंडलवुड की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है सो अब देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से अप्लाई करना है गाइज डे टू तो डे लाइफ में जब कभी भी हम हल्का फुल्का मेकअप करते हैं और स्पेशली इन दिस समर समर में जैसे स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो किस तरीके से व्हाइट टोन फेस पाउडर आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है गाइज यहां पर आप जब कभी भी अपने फेस पर मेकअप करते हैं तो बस थोड़ा सा ही आपको अमाउंट इसका लेना है आप चाहे तो हैंड से भी इसको कर सकते हैं इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पर देगा फ्रेशन अप आपके को फील कराएगा। और यहाँ पर यह दो तरीके से वर्क करता है और साथ में एज अ फेस पाउडर आप इसको यूज कर सकते हैं बस इस तरीके से आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना आपके फेस पर एटलीस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स तक स्टे रहता है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको रिअप्लाई करना पड़ सकता है क्योंकि ऑयली स्किन पर ऑयल सिक्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और साथ में ही अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हल्का फुल्का अपने फेस पर मेकअप करने के बाद इस फेस पाउडर को आप अप्लाई कर सकते हैं या आर द रिजल्ट इसको लगाने से आपकी स्किन पर एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है साथ में आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है थर्ड वन अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली है तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करके रखेगा एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स तक उसके बाद आपको ये रिअप्लाई करना पड़ेगा अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में अगर आपको नो मेकअप लुक चाहिए तो डेफिनेटली आप व्हाइट टोन को एक बार जरूर ट्राई कीजिए अगर आपने पुराने वाला ट्राई किया हुआ है तो आप इस वाले को भी ट्राई

कि समर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है और साथ में आपके मेकअप को सेट करने में हेल्पफुल रहता है और आप इसको एज अ लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो गाइस यहां पर ये हर स्किन टोन पर सूट नहीं करता लाइक अगर आपकी डस्की स्किन टोन है तो ये आपके फेस पर एकदम वाइट कास्ट शो करेगा तो अगर आपकी स्किन डस्की है तो आप इसको यूज मत कीजिए और साथ में इसमें कोई भी एप्लीकेटर नहीं दिया हैंड पर ही लेकर हमें इसको अप्लाई करने का जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है अदरवाइज अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करते हैं गाइज अगर आपकी स्किन पर एक्ने या जैसी मेजर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस फेस पाउडर को अप्लाई मत कीजिए मे बी रिएक्शन करके ये और प्रॉब्लम आपके फेस पर क्रिएट कर सकता है बट अगर आपकी स्किन एकदम फ्रेश एंड हेल्दी है ट्राई दिस वन गाइज आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कौन सा व्हाइट फेस पाउडर यूज किया है अभी तक आज की वीडियो में इतना ही गाइस स्वस्थ रहिए खुश रहिए अपने घर में रहिए और सेफ रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर टिल जय हिंद जय भारत